लखनऊ के अंबेडकर नगर में ध्वस्तीकरण का आज छठवां दिन। बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं अवैध मकान और दुकान। अब तक गिराए गए हैं 500 से ज्यादा घर। आज अकबरनगर प्रथम में बुलडोजर एक्शन जारी है। पुलिस बल की मौजूदगी में गिराए जा रहे अवैध मकान। कुछ इमारतों को छोड़कर अकबरनगर द्वितीय पूरी तरह साफ हो चुका है। लखनऊ के डीसीपी रविना त्यागी अकबरनगर में मौजूद स्थिति का ले रही है जायजा। कहा पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद। ड्रोन से हो रही है निगरानी। खुफिया एजेंसी भी एक्टिव। तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर पूरा पुलिस बल मौजूद है। भारी संख्या में यहां पर आरएएफ के हमारे पास कंपनी है, पीएसी है, ड्रोन, सीसीटीवी, हर तरीके से निगरानी यहां पर लगातार की जा रही है और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर कार्रवाई चल रही है। यूपी के सहारनपुर में अवैध खनन के आरोपियों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ग्लोकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग और संपत्ति जब्त की गई है। 4400 करोड़ बताई जा रही है जब्त संपत्ति की कीमत। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर पर धमाका। टीएमसी का आरोप, नेता अब्दुल हन्नान को निशाना बनाकर किया गया विस्फोट। धमाके से टूटी घर की छत। नीट परीक्षा मामले को लेकर 20 छात्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 5 मई को हुए एग्जाम की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी से कराए जाने की मांग की है। यूपी के गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरे जू का लिया जायजा। भालू को भी खिलाई आइसक्रीम। कुवैत अग्निकांड पर पश्चिम बंगाल की मंत्री सुजीत बोस का बयान। कहा राज्य सरकार मृतकों के परिवार की हर संभव मदद करेगी। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की टिप्पणी। कहा दबाव के चलते नरेश कुमार अपने बयान से हुए दूर। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित मुनक नहर की आज भी पेट्रोलिंग जारी है। लगातार तीसरे दिन दिल्ली पुलिस गश्त लगा रही है। टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके से फिर आई वही तस्वीर। पानी के टैंकर के पीछे भागते और उस पर चढ़ते हुए नजर आए लोग। अपनी अपनी पानी की पाइप लगाने की मची होड़। दिल्ली की गीता कॉलोनी में भी हालात नहीं सुधरे हैं। टैंकर पहुंचते ही आपस में भिड़ गए लोग। पानी भरने के लिए टैंकर के नीचे घुसकर बैठे बच्चे। दिल्ली में जल संकट पर जारी है सियासत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कृष्णा नगर इलाके में मटका फोड़ प्रदर्शन। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध। कहा मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजे। रियासी आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई। हमला स्थल पौनी में तैनात एसएचओ का तबादला। लापरवाही बरतने के कारण ये हटाया गया। इंस्पेक्टर सुमन सिंह को किया गया पद पर तैनात। यूपी के बागपत में दो बड़े भाइयों पर छोटे भाई की हत्या का आरोप। एक ने हाथ पकड़ा, दूसरे ने सीने में उतारी गोली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का नहर में मिला शव। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस मामले की कर रही है जांच। यूपी के बागपत में दो बड़े भाइयों पर छोटे भाई की हत्या का आरोप। दोनों ने मिलकर गोली मारी। पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के वसंत बिहार के मार्केट में लगी आग। दुकान में आग लगने से हड़कंप। 10 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। नियंत्रित होकर पलट गई गाड़ी। हादसे में दो लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में रियासी को रामवन से जुड़ने वाला बन रहा है पुल और सबसे ऊंचे रेल पुल। चिनाब का काम लगभग हो चुका है पूरा। इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी आवाजाही। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम का 60वां स्थापना दिवस आज है। सुबह से ही नीम करौली बाबा के दरबार में उमड़ा है भक्तों का सैलाब। कैंची मेले में पहले दिन 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। पश्चिम बंगाल के मालदा में 4 साल के बच्चे को हुआ बर्ड फ्लू। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। 3 सदस्य टीम ने किया अस्पताल का दौरा। और मध्य प्रदेश के भोपाल में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नूर जहां आम बना लोगों के आकर्षण का केंद्र है।